हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइडियन थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीपी फॉर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हमको सीपी माइनस सीवी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आपको एक रिलेशन, सबसे पहले आपको हम सी के बारे में बता देते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, आप याद रख लो डेफिनेशन। देखो, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब है कि हमको किसी 1 मोल गैस है, उसकी अगर टेम्परेचर हमारा क्या 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, बढ़ाना है, तो कितने हीट रिक्वायर्ड होगी, वही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो वही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो, यहाँ पे सीपी दे दिया है, तो आप सीपी क्या करो, कहो क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलोगे, यही बोलोगे बस, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी को क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बस इतना बात है, याद रख लेना। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देने जा रहा हूँ मैं, रिलेशन। देखो, जो हमारा अगर कभी सीवी दिया, ठीक है ना, तो सीवी दिया तो आप मोलर मास सीवी कर लेना। ठीक है ना, जो भी गैस दिया होगा उसका मोलर मास सीवी कर लेना, ये रिलेशन याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लगेगा। अगर मान लो सीपी गिवन है, तो मोलर मास ऑफ गिवन दैट, जो भी गैस गिवन हो, और आप सीपी कर लेना। ठीक है ना, ये रिलेशन याद रख लेना, मतलब जो भी गैस दिवा गिवन हो उसका आप मोलर मास इक्वल टू सीवी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या पूछा है, N2 के लिए पूछा है, तो और सीपी माइनस सीवी, तो देखो N2 के लिए हमको पूछा है, तो N2 के लिए हमारा सीवी लिख लो। सीवी कितना हो जाएगा, बोलो भाई, सीवी हमारा हो जाएगा 28, N2 का मोलर मास कितना होता है 28, और हमारा सीवी हो जाएगा, और ऐसे सीपी निकालेंगे तो हमारा 28 और 28 मोलर मास, और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब देखो, हमको निकालना क्या था, सीपी माइनस सीवी निकालना था। ठीक है, सीपी माइनस सीवी बराबर होता क्या है, आपको पता है आर होता है, ये एक फार्मूला और आप लिख लेना, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। ठीक है, आप इसे याद रख लेना। अब देखो, अब सीपी माइनस सीवी, सीपी की जगह आप क्या लिख लोगे, 28 सीपी लिख लोगे, और सीवी की जगह आप क्या लिख लोगे, 28 सीवी लिख लोगे, स्मॉल सीवी ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, हमको सीपी माइनस सीवी निकालना था, तो यहाँ से आप कॉमन कर लोगे, सीपी माइनस सीवी बराबर 28 कॉमन आ गया। ठीक है ना, 28 कॉमन आ गया, आर यहाँ पे था, तो हमारा जो दिख रहा है आपको सीपी माइनस सीवी आ जाएगा, वो आ जाएगा आर बाई 28। तो ये हमारा N2 मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको याद रख लीजिए, आपको 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन से मिले, 1, 2, 3। ठीक है ना, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू। अगर किसी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।